दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में रूस के मेजर जनरल की मौत पुतिन की सेना को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। पर हम आपको बता देंगे, जाहिर तौर पर ये लड़ाई वैसी नहीं रही जैसा पुतिन ने सोचा था। दोनों ही सेना एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाने का दावा कर रही है। पर हम आपको बता देंगे, बुधवार के रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब तक यूक्रेन में 498 सैनिक मारे गए हैं और 1597 घायल हो गए हैं। मेजर जनरल एगोर कोनाकोर ने इन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें रूस ने भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। मेजर ने जो आंकड़े साझा किए हैं वे रूसी रक्षा मंत्री के आंकड़ों से बेहद ज़्यादा हैं। ना शेरकोव ने कहा है कि 2870 अधिक सैनिक मारे गए हैं और 3700 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 572 अन्य को बंदी बना लिया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।